हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हितेन। आज हम करेंगे थोड़ा मोटो व्लॉगिंग। हम लोग जा रहे हैं करजत के फार्म हाउस पे। सो बाकी का डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे ही बताता हूँ। सीधा मिलते हैं हम बाइक पे। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, इसके लिए पहले रेडी हो जाता और मिलता हूँ डायरेक्टली आपको बाइक पे। ठीक है, माई नेम इज़ हितेन खंडावकर। आई स्टे एट कल्याण। आई हैव स्टार्टेड द चैनल कॉल्ड हितेन के व्लॉग्स, इन विच आई विल पुट सम वीडियोज ऑफ ट्रैवलिंग टू डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट डेस्टिनेशन। इट ऑलवेज बीन फन फॉर मी टू ट्रैवल बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड राइडिंग बाइक इज माई हॉबी। So this is the first moto vlog on my channel called Hiten K Vlogs. Request you all to please subscribe to my channel and like this video and please keep supporting me. So today I will be going to Karjat. I am going to Karjat farmhouse. No, that farmhouse is not mine. हम लोग ने rent पे लिया है वो for 2 day and 1 night. करेंटली आई एम एट तलोजा से मैं जाऊंगा करजत की तरफ पे। मेरे फ्रेंड प्रीति वो वाशी से निकले हैं। एक्चुअली प्रीति के भाभी का बर्थडे है, इसके लिए हम लोग सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं अभी। आई नो ड्यू टू कोविड सिचुएशन मैनी ऑफ द पीपल हैज लॉस्ट देयर जॉब। काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई इन टर्म्स ऑफ सैलरी डिडक्शन हुआ। नए कल्चर्स भी आए वर्क फ्रॉम होम के। सो लकीली मेरा जॉब सिक्योर्ड है एंड हमारा वर्क फ्रॉम होम कल्चर चालू हो गया। सो आई एम लकी इनफ टू यू नो सर्वाइव इन दिस कोविड सिचुएशन। बट होपफुली ऑल ऑफ माई व्यूअर्स आर फाइन एंड सेफ एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ यार, क्योंकि ये सिचुएशन में ऑफकोर्स ये सब हैंडल करना बहुत टफ जाता है। सो जितना हो सके उतना इम्यूनिटी बूस्टर लो, काढ़ा पियो, टैबलेट्स टाइम पे लो और अपना ख्याल रखो। मैंने भी एक्चुअली मेरे घर वाले भी मुझे चिल्ला रहे थे कि मत जा बाहर, तो मैंने उनको समझाया कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे कोई दूसरे लोग नहीं रहेंगे। सो हम लोग का पर्सनल फार्म हाउस रहेगा, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हम लोग ही यूज़ करेंगे, दूसरा कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। सो उनको समझाने के बाद ही मैं निकला हूँ घर से। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अभी हम लोग है फार्म हाउस पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के लिए काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को। आपको एक बार टूर दिखाता हूँ कि कैसा फार्म हाउस है ये, और आपको पता चल जाएगा। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी शेयर कर दूँगा, आप एक बार देख लो कैसा है ये। सो बाहर से कुछ ऐसे दिखेगा ये। ये कार है, एक कार बाहर गई है, ये मेरी बाइक। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रास्ता। एक बेडरूम है और यहाँ से डायरेक्ट पूल के लिए एंट्रेंस। वहाँ पे पूल है और वहाँ पे स्पेस है बैठने के लिए भी, जगह बेंच वगैरह रखा है हम लोग ने। ये गार्डन
बेडरूम। ये वाला ओपन स्पेस गैलरी, यहाँ पे और एक बेडरूम, और वहाँ पे ऊपर भी है एक जगह। और ये एक टेरेस, अच्छा बनाया। सामने वाले भी सब आप ग्रो हाउस देख सकते हैं, और व्यू देखो। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे। बाय बाय, संभाल के जाओ, चल निकल। हाँ हाँ, बाय बाय, चल। सो फाइनली हम लोग निकले यहाँ से, अभी डायरेक्ट घर पे जाएंगे। बिलीव मी गाइस, इतना ज़्यादा मज़ा किया हम लोग ने आज आज और कल, हिसाब के बाहर।
फुल पैसा वसूल ट्रिप था। फार्म हाउस से निकला हूँ 4:47 को एंड राइट नाउ इट्स 5:32 और मैं अभी तलोजा हाईवे पे हूँ। मुझे और 30-45 मिनट्स लगेंगे घर पे जाने के लिए। टॉक अबाउट बंगलो, बंगलो वाज क्वाइट ओके, अच्छा था। अगर किसी को पार्टी करना है या फिर आउटिंग करना है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, सो रीजनेबल एंड वर्थ था वो। कॉस्ट की बात करें तो उसका कॉस्ट था 10,000 एज इन पर पर्सन वो लोग चार्ज नहीं करते, 10,000 लमसम अमाउंट रहेगा और उसमें हम कितने भी लोग लेके जा सकते हैं। सो इफ़ यू हैव ग्रुप ऑफ 15 पीपल यू कैन टेक इट एंड 15-20 आराम से वहाँ पे बैठ जाएंगे शायद से, क्योंकि वो 3 BHK बंगलो है और ईच रूम हैज़ एयर कंडीशन, सो आई डोंट थिंक कि गर्मी में भी प्रॉब्लम होगी आपको। इट हैज़ अ वेरी बिग लिविंग रूम ओवर देयर, इन दैट वी कैन एकोमोडेट आराम से 10 लोग तो आराम से सो जाएंगे वहाँ पे फॉर श्योर। एंड दे हैव मतलब बेड तो नहीं है बट वो लोग मैट्रेसेस प्रोवाइड करते वहाँ पे, सो कुछ चैलेंज नहीं होगा उससे। एंड टू टॉक अबाउट स्विमिंग पूल, पूल वॉज क्वाइट ओके, पूल का हाइट वॉज अराउंड 5 feet विच इज़ क्वाइट ओके आई कैन से। उसमें भी बच्चों के लिए तो बेस्ट है वो बोल सकता हूँ मैं, बट और हाँ 10,000 में आपको ओनली स्टे इंक्लूडेड है। अगर आपको फूड भी एकोमोडेट करना है तो फिर आपको बाहर से लेके जा सकते हैं आप। सो फूड का इधर आप वहाँ पे भी बना सकते हैं, आप घर से लेके जा सकते हैं सामान और वहाँ पे बना सकते हैं, या फिर वहाँ पे कैटरेसेस सर्विसेज है उनके पास, उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप उनको बोलेंगे तो वो लोग आपको बंगलों में ला के दे सकते हैं। बट इट वॉज वर्थ गोइंग देयर। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे, बाकी के पब्लिक कार से गए, मैं अकेला था बाइक से, तो बाकी के पब्लिक वाशी में और उरन में रहते हैं, तो वो लोग अभी तक हाफ वे तक पहुँच गए होंगे। मैं अभी हूँ तलोजा पे, तो फिर मेरे को और 30-45 मिनट्स लगेगा, अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है, अभी तो 5:36 हो गए। इस व्लॉग में रखते हैं बस इतना ही, होप ये आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक दबा देना और सब्सक्राइब करना हितेन के व्लॉग्स को, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट एंड मोर अपडेट, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा आई डी इज़ हितेन के _2104।